बताया था, ये व्यापारिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब व्यापारी अपना कामकाज छोड़ के सभी अपने व्यापारियों को देश भर के एजुकेट करने के लिए निकला है, क्योंकि जब से ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ तब से जो हमारा खुदरा व्यापार है वो विभिन्न विभिन्न परेशानियों से गुजर रहा था, और ऐसे में हमारा जो राष्ट्रीय मंच है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, वहां सभी व्यापारियों ने मिलकर ये फैसला लिया नागपुर में कि अब वक्त आ गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के समक्ष जो जो परेशानी हमारे साथियों को आ रही है हम उसमें बात करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील हुई, रिटेल को एफडीआई में अलॉट किया गया, तो ये एक ऐसा नीति साबित हुई जिससे हमारा जो खुदरा व्यापार है वो एकदम से प्रभावित हो गया।